ज्यादा कुछ नहीं किया पर जितना भी किया वो एक कैची है, एवरीथिंग इज कैची देयर। नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रे। तो आज लेके आए हैं एक नया ट्रेलर जिसका नाम है मंकी मैन। मंकी मैन से मेरे को नहीं मालूम ये एक रिलीजियस फैक्ट के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, पर चलो ये है मूवी जिसका डायरेक्टर भी देव पटेल है और एक्टर भी देव पटेल है। अरे गुज्जू है ना, सारा खुद ही करेगा। तो यार मैंने इसका सबसे पहला मूवी देखा था स्लमडॉग मिलियनेयर, तो सारी दुनिया ने देखा था। और उसका मैं सबसे लास्ट वाला मूवी देखा था 2017 में लॉयन, जो इज बेस्ड ऑन इंडियन ट्रू स्टोरी, द वन ऑफ द किड नेम इज गुड्डू हैज लॉस्ट हिज फैमिली व्हेन एज ऑफ 5, तो ही बीन अडॉप्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन फैमिली। तो और ही केम इन लाइमलाइट इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन ही हैड रिलेशनशिप विद वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेसेस। तो चलो दैट्स हिज पर्सनल लाइफ। चलो देखते हैं यार, देव पटेल आई थिंक ही ऑलवेज बीन अंडररेटेड एक्टर इन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड इज नेवर कंसीडर्ड हिम एज अ बॉलीवुड एक्टर। चलो देखते हैं इसका ट्रेलर, फिर बात करते हैं। बो कहां गए देव पटेल बाबा, बंद करो। इसमें भी ग्रीव ही दिखाया इसको, और तुम्हें अपना वजूद मिल जाएगा। शॉट है ये भी, जब मैं बहुत छोटा था। हनुमान जी आ गए ना, तो मेरे को समझ नहीं है जब उसमें आपने बोला ना चमक में, तो कनेक्शन है मेरे को एक राक्षस राजा पता है कि देखते हैं कि है कुछ कनेक्शन इसमें एक रिलीजियस फैक्ट के साथ। राज्यों पे आग और कहर बरसाते रहे, जब तक उनका सामना प्रजा के रक्षक से नहीं हुआ। देखो अब रामायण का दिख रहा मेरे को, पहचान लिया खुद को। अरे गरीला बाबा, दरिंदा है। अच्छा चलो, इसको बोलते हैं बिना कुछ ज्यादा किए सब कुछ कर दिया। शहर में वो काम दो जो कोई भी नहीं करना चाहता, मैं करूंगा। जो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। डायरेक्टर देव पटेल गुज्जू सारा पेल दिया खुद। अगर ये सब नहीं झेल सकते तो तुम्हारे लिए काम करना मुश्किल है। अरे ये पंजाबी गाना कौन सा है रे, म्यूजिक मुंडिया ना कुड़ियां तो कैसा है। होने होने होई मुटियार, अरे नंबर 1 ये आता वो से देखिए मेरा से सारा टुक टुक लेके आ गया और कड़क हेडलाइट। चला आजा बिड़ू, अच्छा जान डाला म्यूजिक। ये तो उसका मूवी में था ना ये सर Animal. ये ऐसे नहीं टूटता, ये रियलिटी में ऐसे ही होता। साला बॉलीवुड बकलेट दिखाता कुछ भी ऐसे। ये देखे मस्त शॉट है उसने। ये तो फोक सॉन्ग है ना पंजाबी। अपनी माँ के लिए, हम सबके लिए। जा रहा आगे। क्रोध तुम्हारी आत्मा को। और देखो पीछे से बैकग्राउंड का उसने लगा। मुझे बेटा मत बोल। आई थिंक ये फर्स्ट एक्शन मूवी है। ये देखा उसमें अब रावण का भी दिखाया। याद दिलाने का वक्त आ गया है कि रामलीला कौन हो। हाँ लिखी लेने में क्या मस्त एक्शन मार रहा है बाबा इसमें। एक छोटी सी चिंगारी एक ये सबसे बेस्ट सीन लगा वो। मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ। क्या आप ये कमाल की फाइट देखने को रेडी हैं? ओ, अरे किचन में लड़ रहे बाबा, चल भी भाग ले। साला मेरे बाल खड़े हो गए, मेरे को लगा तेरे को मारेगा उठ के। दैट्स अ ड्यूट याद आ जाता ना देख के। मंकी मैन देव पटेल इन सिनेमा सून। तो यार ये था इसका ट्रेलर, तो मेरे दिमाग में बन गया खिचड़ी। मेरे को अब इसमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें जो मंकी मैन और हनुमान जी पीछे दिखाए गए थे और उसमें रावण को भी दिखाया गया, उसको कोई कनेक्शन है या नहीं है। पता नहीं इस रिलीजियस फैक्ट से कोई कनेक्शन है नहीं है, आई डोंट नो। बट एक सबसे बड़ा बात बोल देता हूं मैं कि देव पटेल का पहला मूवी होगा जिसमें खुद एक्शन कर रहा है, तो इट्स वेरी रेयर ही डज एक्शन मूवी। नॉर्मली ही जस्ट बीन पोर्ट्रेड एज ए लाइक यू नो समवेयर इन अ पुअर और समवेयर ट्राइंग टू फाइंड हिज ओन वे ओन लाइफ और वे ही लिव्स और व्हाट ही डूइंग, जैसे जो मैंने कहा उनका मूवी देखा है पहले। पर मेरे को कहीं कहीं इसमें जॉन विक भी देखा है इसमें, अगर आप इफ यू वॉच जॉन विक उसका सेम वे और एक्शन वो एनिमल का रणबीर कपूर का मूवी आया था ना, वो एक्शन
वो एक पूरा दमदार और पताल लोक का पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और KGF का भी साथ साथ चल रहा है, तो ये काफ़ी मतलब लाइक ए पॉरेज, ब्रेकफास्ट टाइम पॉरेज बन गया मेरे तो। पर जो भी है, मैं ये बोल सकता कि ये एक ऐसा मूवी लग रहा मेरे को कि जिसने ज़्यादा कुछ नहीं किया पर जितना भी किया वो एक एक कैची है, एवरीथिंग इज कैची देर। तो यार ये था इसका ट्रेलर, तो भाई बाबा बुक कर रहे इसका टिकट, अभी 5 तारीख को बहुत टाइम है, बुक कर और नारेबॉर्ड में करिए कहीं नज़दीक। चलो यार ये था इसका ट्रेलर, तो आई होप यू हैड एंजॉय दिस ट्रेलर एंड बिकॉज ये मेरे को बोलते हैं कि हमेशा कि यू नो वी वाना कैप्चर योर फर्स्ट रिएक्शन, वी डोंट वाना शो यू वीडियो, ऐसा दिखाते जैसे कि यू नो दुल्हन लेके आता ना पुराने जमाने डोली में कि बाबा तेरे को बताते भी नहीं कि क्या आज क्या है। तो और आज मैंने शेव किया है, मेरा बर्थडे था कल, बर्थडे मेरा बर्थडे कल शेव किया था। तो एनीवेज गाइस स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।